हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के न्यू ब्लॉग में मैं जो है आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने जा रही हूँ, जो कि आपके घर के सामानों में ही आपकी ब्यूटी छुपी होती है, जिसे आप यूज़ करना नहीं जानते। तो चलते हैं और ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, शुरू करते हैं। आप देखिए, यहाँ टेबल पे रखी जितनी भी चीज़ें हैं ये सारे आपके घर में अवेलेबल होती हैं। यहाँ पे जो है अब कैसे शुरू करना है, तो यहाँ पे देखिए क्या है। ये शैम्पू है जो कि आपके पाउच में होता है, ब्रश है, टूथब्रश है, और इसी से करेंगे। और यहाँ चीनी है, कॉफ़ी है जो कॉफ़ी आपके हो वो, लेमन है, और यहाँ पे जो है टूथपेस्ट होता है वो भी है, और प्लस साथ में एक जो है आपका जो फेस पैक लगाने वाला। तो करते हैं कट लेमन को सबसे पहले। अब दूसरी चीज़ यहाँ कॉफ़ी है, कॉफ़ी के एक पैकेट को फाड़ते हैं और इस चीनी के प्लेट में रखते हैं। लेमन हो गया, चीनी हो गया, और ये कॉफ़ी का पैकेट हो गया। इसका करते हैं हम यूज़, कैसे यूज़ करेंगे, तो हाथों पे इसका यूज़ कैसे करते हैं, चलते हैं। इसके लिए मुझे सबसे पहले जाना पड़ेगा बड़े वाले शीशे के पास, और फेस में पहले यूज़ करूँगी, देन हाथ में यूज़ करेंगे हम। तो चलते हैं बड़े वाले शीशे के पास, क्योंकि वहीं जाके ये काम हो सकता है। तो मैं आ गई हूँ बड़े वाले शीशे के पास, और अब इसको लगाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लेमन, और ये देखिए रस निकला, लेमन, कॉफ़ी और चीनी, थोड़ा सा रस निकाल के उसके बाद दोनों को लेना है थोड़ा थोड़ा। और ये देखिए यहाँ पे आपका चीनी और ये कॉफ़ी जो है, इसको अब अपने फेस पे धीरे धीरे हल्का हल्का रब करना है, ज़ोर से नहीं करना है, नहीं तो फिर वो जो है खरोच सी आ जाएगी, क्योंकि चीनी हार्ड होता है, तो इसलिए चीनी मेल्ट भी होता है। तो इसको धीरे धीरे ही आपको जो है अपने चेहरे पे करना है। मैं तो स्पीड में मैं दिखा रही हूँ, वरना किया तो मैंने धीरे ही है, इसे अपने फेस पे ऐसे ऐसे चारों तरफ अच्छे से कोने कोने पे, चारों जिधर कोने। और चीनी जो है देखिए यहाँ पे अभी तक है, ये मेल्ट नहीं हुआ, तो जब तक चीनी मेल्ट ना हो इसको आपको घुमाते रहना है। अब जब चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो गया है, ये मेरे चेहरे को भी देखिए, ये कॉफ़ी भी जो है एकदम मिल गया है, तो अब जो है धोने की बारी है। तो इसको फ्रेश वाटर से जो है वॉश करेंगे पूरे फेस को। अब मैंने चेहरे को अच्छे से धो लिया है बिल्कुल सही से। अब इसको सूखे तौलिए से अच्छे से हल्के से इसको पोछेंगे, ये नहीं कि रगड़ के, अच्छे से इसको धीरे धीरे पोछेंगे। और ये जाके अब मेरा चेहरा बिल्कुल अब जो है सूख, अब मेरे पहले के चेहरे को देखिएगा और अभी देखिएगा, बिल्कुल ये साफ साफ दिखाई दे रहा है ना। हाँ, झाइयाँ हैं, वो तो आपका पिगमेंटेशन जो है वो तो इलाज से ही ख़त्म होगा, बाकी सब चीज़ें, आपका चेहरा साफ़ है। तो आप इसको ऐसे यूज़ करके और भी अपने चेहरे पे ग्लो ला सकते हैं। और अब इसी चीज़ को मैं अपने हाथों पर, यानी कॉफ़ी, चीनी और नींबू को जो है अपने हाथों पर यूज़ करूँगी। चेहरे पर हो गया तो अब हाथों पर रब करने की बारी है। और उससे पहले कि हाथों पे कुछ करूं, तो पहले मुंह में मैं क्या करती हूं, फेस पैक लगा लेती हूं। ये एवरयूथ का है, और खीरा और एलोवेरा वाला है, जो ठंडक भी देता है, क्योंकि कोई चीज़ आप जब स्क्रबर जैसा यूज़ करते हैं तो उसके बाद फेस पैक लगाते हैं ताकि आपके चेहरे को ठंडक मिले। तो मैं यहाँ फेस पैक लगा लूँगी, तब हाथ का जो है काम करूँगी, क्योंकि फिर वो जो है चेहरे से मैं बोल नहीं सकूँगी, तो इसलिए जो है मैं चेहरे पर लगा ली हूँ। और अब जो है, क्योंकि इसके बाद बात नहीं कर सकती, तो अब लगाने के बाद जो है अब हाथों का कार्यक्रम शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं, यही कॉफ़ी और चीनी जो है हाथ पे भी, हाथों के लिए भी मैंने जो है यही चीनी यही कॉफ़ी का इस्तेमाल करना है। तो ये हाथ पे थोड़ा सा लेके चीनी और कॉफ़ी, और इसे धीरे धीरे हल्के हाथों से रगड़ना है, तेज़ हाथों से नहीं। ये मैं फास्ट करके दिखा रही हूँ, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आपको धीरे धीरे हाथों से ही करना है, हल्के हाथों से दोनों हाथों पे अच्छे से रब करके धीरे धीरे घिसना है, जब तक चीनी मेल्ट ना हो जाए। और जब पूरी तरह से चीनी घुल गया, तो फिर दोनों हाथों को अच्छे से फ्रेश वाटर से धो लीजिए, और इसको सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ लीजिए। देन मैं यूज़ करूँगी इस पर, ये आपके घर में सभी के घर में होता होगा, ये चाहे कोलगेट कोई भी होता होगा। तो मैं थोड़ा सा इसे लूँगी अपने हाथों पर, और फिर नींबू के साथ इसको जो है अपने हाथों पे अप्लाई करूँगी। और धीरे धीरे इसे भी करना है, इसे भी ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, पर मैं अपना तेज़ दिखा रही हूँ, लेकिन आपको धीरे धीरे करना है, दोनों हाथों पे करना है, और आफ्टर चीनी और कॉफ़ी के रब के बाद इसे करना है। तो इसके बाद देखिए हाथों में इससे अच्छा ग्लो आता है, आप विश्वास करें। ये टूथपेस्ट आप एक बार यूज़ करके ऐसे करके देखना, बहुत ही अच्छा ये रिज़ल्ट देता है।
हाँ तो फिर कॉफ़ी वाला भी और ये टूथपेस्ट वाला भी अप्लाई करने के बाद जो है अच्छे से पानी से धो लेती हूँ, और धोने के बाद जो है इसको सूखे कपड़े से अपने हाथों को पोछ लूँगी। और यहाँ देखिए जब तक मेरे हाथों का पूरा हो गया तब तक मुझे बोलना नहीं था, तो मैं जो है अब लगा के से अब 2 मिनट बाकी है बस, उसके बाद आप वेट कीजिए और इसको धो लेना है फिर। अब मैं चलती हूँ गर्म पानी, तो जब तक 2 मिनट का टाइम है तब तक मैं गर्म पानी कर लेती हूँ पैरों के लिए, क्योंकि पैर का भी पेडिक्योर भी करना है। तो गर्म पानी मैं करूँगी गीज़र में, ऑन कर देती हूँ गीज़र को और 2 मिनट में जो है ये गीज़र मुझे गर्म पानी दे देगा। तो मैंने ऑन कर दिया है और 2 मिनट के बाद ये मुझे गर्म पानी बिल्कुल मिल जाएगा। और अब चलती हूँ अपने फेस को धोने के लिए, 2 मिनट हो गया है और मैं फेस को धोऊंगी। तो फेस को पानी से अपना धोना है और थोड़ी इसको जब थोड़ा गीला हो जाए ना तो इसको थोड़ा हल्के हाथों से रगड़ कर इसको साफ कर। देखिए आपको चेहरे पे कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है, तो अगर आप पार्टी में जा रहे हैं तो आप इस फेस पे अब जो है कोई भी जो है मेकअप अप्लाई करिए, जितना चाहे अप्लाई कीजिए। लेकिन मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं तो गर्मी की छुट्टियों में घर में बैठी हुई हूँ तो यही सब कर रही हूँ। तो मैं सिर्फ लगाऊंगी एलोवेरा जेल जो कि ये चंदन वाला है, तो वो मैं हमेशा ही लगाती हूँ, तो यही मैं सिर्फ लगा के अपने चेहरे को थोड़ा ठंडक दूँगी। अब तो हो गया और अब देखिए मेरे हाथों का हो गया, मेरे चेहरे का हो गया, फेसियल भी हो गया यानी मैनिक्योर भी हो गया और फेसियल भी हो गया। तो अब जो है पैरों का करूँगी। तो कई चीज़ें जो हमारे घर में ही होती हैं और लोग जो है पार्लर की तरफ भागते हैं, तो पार्लर आप जाओ ज़रूर, आपके पास पैसे हैं आप जाइए, लेकिन कभी कभी घर में जो चीज़ें हैं उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए और वो अच्छा होता है, बल्कि वो कोई हार्मफुल नहीं होता और आपके चेहरे को कोई चेहरे को हाथों को या पैरों को कोई नुकसान नहीं देता। तो घर में जब आप फ्री में बैठे हो तो आप ये सब काम कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। अब अभी जब मैं अपने चेहरे को देख रही हूँ तो आपको चमक सी दिख रही है, हालांकि मुझे मैं इतना करती नहीं हूँ, लेकिन हाँ चलो गर्मी की छुट्टियाँ हैं मेरी तो चलो हाथों का भी हो गया और चेहरे का भी। चेहरे पे मुझे झाइयाँ तो है लेकिन फिर भी अच्छा सा दिख रहा है चेहरा, और मेरा गर्म पानी हो गया है तो मैं गर्म पानी लेके अब करूँगी पेडिक्योर। अब यहाँ पे मैंने गर्म पानी तो ले लिया है और इसमें डाल दी एक शैम्पू का पैकेट डाल दी हूँ, एक शैम्पू का पैकेट डालकर इसको अच्छे से घोल लेती हूँ। और गर्म उतना ही रखिएगा जितना आपका पैर जो है साध सके या सड़ सके। और इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच नमक ताकि आपका दर्द वर्द जो भी हो वो भी जो है इसमें ठीक हो जाए, और मेरे पैर में तो रहता है दर्द तो मैं डाल देती हूँ और डालना ठीक भी रहता है। तो मैं यहाँ पे जो हल्के हल्के पैर जो है दोनों पैर इसमें डालती हूँ और दोनों पैरों को हल्के हल्के डुबाना है और फिर इसको निकालना है, डुबाना डुबाना है और फिर जो हाथों को भी मैं इसी पानी में। देखिए अभी जो है ये नेल्स मेरे जो हैं वो गंदे नहीं हैं लेकिन इसके कलर जो हैं थोड़े से वैसे दिख रहे हैं है ना ग्रे कलर का, तो इसको भी मैं इसी पानी में थोड़ा सा हाथ में डालती हूँ, हाथ और पैर दोनों का जो है सफाई और अच्छे से हो जाएगा। और ब्रश लेके इसके जो नाखून हैं उनके पोर्स को सारे को अच्छे से साफ कर देती हूँ। आप चाहिए तो इसको फाइलर से भी नाखून वगैरह को कर सकते हैं, मैं आज नहीं लगा सकती इसलिए मैं नहीं लगाई हूँ। मैंने अच्छे से नाखूनों को साफ कर लिया और पैरों को भी इसी से ब्रश से रगड़ लूँगी।
कपड़ों को ब्रश से ही साफ़ कर रही हूँ, आप चाहो कपड़ा धोने वाले ब्रश से साफ़ कर सकते हो। मेरी मम्मी कहती थी कि कभी भी पत्थर से और जो लोहे वाले से है उससे पैरों को नहीं रगड़ना चाहिए, नहीं तो और पैर जो है फटता है। आपने गौर किया होगा मेरे पैर उतने फटे हुए नहीं, शायद मैं बहुत कम है भी नहीं, बहुत कम है तो मैं फटे हुए मैं करती भी नहीं सकती। तो ब्रश से कीजिए और जो सॉफ्ट होता है, और अपने कपड़ों से कीजिए साफ़, तो उससे ज़्यादा ये अच्छा रहता है। तो मैं इसी से कर रही हूँ अपने टूथब्रश से लेके, हालांकि कपड़े धोने वाले भी हैं पर मैं इसी से कर रही हूँ। थोड़ा सा पैरों पे पैर चढ़ा के इनको रगड़िए तो दर्द भी ठीक होगा और सफाई भी हो जाएगी। और अब पैरों को धो के मैं आ गई हूँ पानी से, और इसको मैं हल्के हाथों से पैरों को भी जो है टॉवल से साफ कर लूँगी। हाथ मुंह पैरों का और सबका हो गया सफाई, सबका हो गया पेडिक्योर मैनिक्योर फेशियल सब हो गया। अब आप जितना चाहे अपना मेकअप कीजिए, चाहे जो कीजिए अपने चेहरे पे, लेकिन मैं सिर्फ हाथों पे और पैरों पे करूँगी। मुझे कहीं जाना नहीं है तो घर में क्या करूँ मेकअप करके, और वो भी अच्छा नहीं होता कि आप बिना मतलब ही चेहरे पे जो है कोई चीज़ अप्लाई करें। तो मुझे कहीं नहीं जाना, मैं पैरों और हाथों में करूँगी। तो चलते हैं पैर और हाथ में जो है नेल पॉलिश और ये सब लगाते हैं। तो थोड़ा सा पहले मैंने मॉइस्चराइज़र ले लिया, क्योंकि जब भी आप सर्फ साबुन हाथ में लगाते हैं थोड़ा सा हार्श होता है इससे, तो मैं वो मॉइस्चराइज़र जो है हाथों और पैरों में अच्छे से लगा लेती हूँ, उसके बाद जो है मैं नेल पॉलिश लगाऊंगी। और अब मेरा जो है यहाँ पे नेल मोड से मैंने पुराने नेल पॉलिश जो है वो कलर हटा लिए। अब देखती हूँ इन तीनों में चारों पांचों उंगली में कौन कौन सा कलर लगाती हूँ, आपको जो पसंद है वो लगाइए। मैंने कुछ नेल पॉलिश रख रखे हैं तो उसमें से मैं दो सेलेक्ट करूँगी, मैं दो कलर करूँगी, तो एक हल्का कलर लूँगी और एक डार्क कलर। तो मैंने ये दो कलर निकाले हैं और इन दोनों को ही मैं अपने नेल्स पर लगाऊँगी, और एक नेल्स पर डार्क ब्लू रहेगा, बाकी पे सब ये स्काई ब्लू वाला रहेगा। तो देखते हैं लगा के कैसा रिजल्ट देता है। हाथों पे मैंने लगा लिया है, तो मैं पैर में जो है रेड कलर ही प्रेफर करती हूँ, और मैं रेड कलर ही मुझे पसंद है। तो मैं आपको जो कलर है वो लगाइए, मुझे रेड कलर पसंद है तो मैं रेड कलर ही लगा रही हूँ यहाँ पे, और उसके बाद मेरा फाइनल लुक। और आपको आज की ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी तरह मैं नई नई जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी, और तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए। टाटा बाय बाय, सी यू, लॉट्स ऑफ लव।